इतिहासकार और मुस्लिम पक्ष बार बार एक तर्क देता है कि जिस वक्त बाबरी मस्जिद बनाई गई उस दौरान गोस्वामी तुलसीदास भी अयोध्या में थे। तुलसीदास एक राम भक्त थे, लेकिन उन्होंने कहीं राम मंदिर को तोड़े जाने का जिक्र नहीं किया, इसलिए किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। वामपंथी इतिहासकारों का ये दावा क्यों झूठा है, देखिए इस रिपोर्ट में। तुलसीदास जी ने राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाने का पूरा ब्योरा दिया है। ये भी बताया है कि मीर बांकी ने कब अयोध्या में उत्पात मचाया, हिंदुओं पर कैसे कैसे अत्याचार किए और राम मंदिर को तोड़कर बाबरी ढांचा खड़ा किया। ये पूरा वृतांत महाकवि तुलसीदास ने अपनी रचना तुलसी दोहा शतक में किया है। ये भी बताया है कि 1528 ईस्वी में बाबर के सेनापति मीर बांकी ने अयोध्या में राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद तामील की थी। मंत्र उपनिषद ब्रह्म नहु बहु पुराण इतिहास, जवन जराए रोष भरी करी तुलसी परिहास। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि क्रोध से ओतपोत यवनों ने बहुत सारे मंत्र, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथों तथा पुराण और इतिहास संबंधी ग्रंथों का उपहास करते हुए उन्हें जला दिया। सिखा सूत्र से हीन करी बलते हिंदू लोग, भमरी भगाए देश ते तुलसी कठिन कुजोग। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि ताकत से हिंदुओं की शिखा यानी चोटी और यज्ञोपवित यानी जनेहुओं से रहित करके उनको ग्रह विहीन कर अपने पैतृक देश से भगा दिया। तुलसीदास जी ने अपनी दोहा शतक में आगे लिखा है, बाबर बरबर आई के कललिन हे करवाल, हने पचारी पचारी जन तुलसी काल कराल। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि हाथ में तलवार लिए हुए बरबर बाबर आया और लोगों को ललकार ललकार कर हत्या कर दी। यह समय अत्यंत भीषण था। संबत सर बसुबान भर नभ, ग्रीष्म ऋतु अनुमानी, तुलसी अवधे जड़ जवन अनरथ की अनखानी। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि संवत 1585 विक्रमी यानी सन 1528 ई के ग्रीष्म काल में यवनों ने अवध में वर्णन न करने योग्य अनर्थ किए। तुलसीदास जी ने अपने दोहे शतक में साफ साफ लिखा है कि बाबर के सेनापति मीर बांकी ने अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ा और कई हिंदुओं की हत्या की। राम जन्म मंदिर मही तोरी मसित बनाए, जब ही बहु हिंदुन हते तुलसी किन्ही हाय। जन्म भूमि का मंदिर नष्ट करके उन्होंने एक मस्जिद बनाई, साथ ही तेज गति से उन्होंने बहुत से हिंदुओं की हत्या की। इसे सोचकर तुलसीदास शोकाकुल हुए। दल्यो मीर बाकी अबध मंदिर राम समाज, तुलसी रोवत हृदय अति त्राहि त्राहि रघुराज। मीर बाकी ने मंदिर तथा राम मंदिर की मूर्तियों को नष्ट किया। राम से रक्षा की याचना करते हुए तुलसी बहुत रोए। आगे के दोहे में तुलसीदास जी ने लिखा है कि जिस मंदिर में राम नाम गूंजता था उसे तोड़कर मस्जिद बना दिया गया है और अब अजान की आवाज सुनाई देती है। राम जन्म मंदिर जहां लसत अवध के बीच, तुलसी रची मसीत तहां मीर बाक खल नीच। तुलसीदास जी कहते हैं कि अयोध्या के मध्य जहां राम मंदिर था वहां नीचे मीर बाकी ने मस्जिद बनाई। रामायण घरी घंट जहां श्रुति पुराण उपखान, तुलसी जवन अजान तहां कुरान अजान। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जहां रामायण श्रुति वेद पुराण से संबंधित प्रवचन होते थे, घंटे घड़ियाल बजते थे, वहाँ अज्ञानी यवनों की कुरान और अजान होने लगे। तुलसीदास ने जो लिखा वो आंखों देखा हाल है। तब न बाबरी एक्शन कमेटी थी न राम जन्मभूमि न्यास। तुलसीदास ने जो देखा वही लिखा, इससे बड़ा और सबूत क्या चाहिए। इस बात का खुलासा तब हुआ जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में विटनेस के तौर पर श्री राम भद्राचार्य पेश हुए और कोर्ट को इन दोहों के बारे में बताया। अब आपको दिखाते हैं कुछ सबूत जो पुराने दस्तावेजों में दर्ज है। मुगल बादशाहों, अंग्रेजी राज के गजेटियर और उससे भी पहले विदेशी यात्रियों के वृतांत में अयोध्या का इतिहास अंकित है। असल में अयोध्या राम मंदिर था। 11वीं शताब्दी में मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। इसके सबूत दिखाए, इसके भी सबूत दिखाए कि 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई। लेकिन अयोध्या में 1192 से पहले भी मंदिर था। अब आपको दिखाते हैं वो सबूत जो किताबों में हैं, बायोग्राफी में हैं या इतिहासकारों ने दर्ज किए हैं। इनमें कुछ बाबरी मस्जिद से बनने से पहले के हैं और कुछ राम मंदिर को तोड़े जाने के बाद के।
बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि गुरु नानक देव भी अयोध्या गए थे और भगवान राम के मंदिर में पूजा की थी। इसका वर्णन जन्मसखी नाम की सिखों की धार्मिक पुस्तक में किया गया है। जन्मसखी में गुरु नानक देव के जीवन की घटनाओं को रिकॉर्ड किया गया है। इसमें इसका वर्णन है कि गुरु नानक देव के एक शिष्य जिनका नाम मर्दाना था, वो मुस्लिम था। उसने गुरु नानक देव को कहा कि अयोध्या श्री राम की जन्मभूमि है, गुरुदेव को वहां जाकर एक बार अवश्य श्री राम के दर्शन करने चाहिए। उसकी बात मानकर गुरु नानक देव सन 1500 के आसपास अयोध्या गए। उन्होंने सरयू में स्नान किया, फिर श्री राम के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। इसका मतलब साफ है कि अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर था। एक और सबूत जिसमें बाबरी मस्जिद ने अपना सच खुद बयां किया, हालांकि ये सबूत अब कहां है इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ये 1528 का शिलालेख है। जिस साल में बाबरी मस्जिद बनी, बाबरी मस्जिद में 1528 का एक शिलालेख था जिसमें लिखा गया, बादशाह बाबर के आदेश से जिसका न्याय की इमारत इतनी ऊंची है कि ये धरती और आसमान को एक करती है, फरिश्तों की इस इमारत का निर्माण ताकतवर मीर बाकी ने कराया। इसके बाद अकबर की बायोग्राफी लिखने वाले अबू अल फजल ने आईने अकबर में सन 1598 में हिंदुओं के लिए अयोध्या के महत्व और राम की पूजा का जिक्र किया। 1695 से 96 में औरंगजेब के मंत्री सुजान राय भंडारी ने लिखा, अयोध्या श्री राम की राजधानी है और हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थान है, लेकिन बाबरी मस्जिद का जिक्र नहीं किया। अयोध्या में कई विदेशी भी आए जिन्होंने अयोध्या के बारे में चर्चा की। 1608 से 1611 के बीच ब्रिटिश ट्रैवलर विलियम फिंच ने अयोध्या का दौरा किया। फिंच ने अयोध्या को भगवान का पुरातन शहर लिखा। फिंच ने लिखा कि भगवान राम से जुड़े भव्य भवन के अब सिर्फ अवशेष बचे हैं। इस बिल्डिंग के जो टूटे फूटे अवशेष रह गए हैं, उन पर अभी भी हिंदू पुजारी श्री राम के पूजा करते हैं और देश भर से हिंदू यहां आकर दर्शन करते हैं। इसे रामकोट कहा जाता है। मतलब राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनने के बाद भी वहां एक चबूतरे पर हिंदू पूजा कर रहे थे। जो कहते हैं अयोध्या हिंदुओं का तीर्थ नहीं है, उन्हें अब तक इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए कि इस तीर्थ पर खुद गुरु नानक देव महाराज आए थे। हमने आपको दस्तावेजों में दर्ज सबूत दिखाए, लेकिन अयोध्या में इतिहास का औरंगजेब से भी कनेक्शन है, हिंदुओं के एक भीषण संघर्ष की कहानी है। जो ये तर्क देते हैं कि अयोध्या में तलवार के बल पर जुल्म नहीं हुआ, उन्हें भी आज जवाब मिल रहा है। हकीकत ये है कि हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए मस्जिद तोड़ा गया, मुस्लिम आक्रमणकारियों की जीत के प्रतीक के रूप में मस्जिद बनी। अब और बड़ा सबूत मुगल सुल्तान औरंगजेब के जमाने से मिलता है। औरंगजेब की पोत्री ने साफ साफ लिखा है कि हिंदू मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गईं। औरंगजेब की पोत्री ने 1707 में लिखा, इस्लाम की फतह को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम बादशाहों को मूर्ति पूजक हिंदुओं के साथ कोई रियायत नहीं रखनी चाहिए, उन्हें गुलामी में रखना चाहिए और जजिया वसूलना चाहिए। इसके अलावा मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान, अयोध्या में सीता रसोई और हनुमानगढ़ी को तोड़कर जो मस्जिदें बनाई गई हैं, उनको लगातार नमाज और खास तौर पर जुम्मे की नमाज के लिए उपयोग करना चाहिए। इस पर ज्यादा सख्ती करनी चाहिए कि हिंदू सार्वजनिक तौर पर पूजा पाठ न कर पाए और मुसलमानों के कान में मंदिरों की घंटियों की आवाज़ न पहुँचे। औरंगजेब की पोत्री की बातें सुनकर क्या अब भी कोई शक है कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं था? अयोध्या में बाबर के सेनापति ने राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई। मुगल शासकों ने पूरे हिंदुस्तान में हिंदुओं को अपमानित करने के लिए मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई और यही अयोध्या में हुआ। 1735 में फैजाबाद के काजी ने लिखा कि हिंदू और मुसलमानों के बीच उस मस्जिद पर कब्जे को लेकर भयानक दंगा हुआ, जिसका निर्माण दिल्ली के बादशाह ने करवाया था। मतलब बाबरी मस्जिद आज से 400 साल पहले ही हिंदू और मुसलमान के बीच फसाद की जड़ बन चुकी थी, क्योंकि हिंदू श्री राम का जन्म स्थान किसी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं थे और मुसलमान किसी कीमत पर देने को राजी नहीं थे। अयोध्या और काशी के मुद्दे पर मुगल बादशाहों ने हिंदुओं से मोलतोल भी किया, इसके भी सबूत हैं। 1756 में नवाब सुजाउद्दौला ने अफगानों के हमले के वक्त मराठा राजा रधौबा से मदद मांगी। नवाब सुजाउद्दौला ने राघौबा को संदेश भिजवाया था कि अगर मराठा मुगलों की मदद करेंगे तो हिंदुओं के पवित्र शहर अयोध्या और काशी उन्हें वापस कर दिए जाएंगे, लेकिन ये तो हो नहीं पाया और अयोध्या और काशी में मुगल बादशाहों के जुल्म के सबूत आज भी कायम है।
हकीकत यह है कि मुगल काल में सिर्फ अयोध्या में राम मंदिर को ध्वस्त नहीं किया गया, उससे पहले काशी, मथुरा और ऐसे हजारों मंदिर तोड़े गए और इसके बाद हिंदुओं और मुस्लिम शासकों के बीच संघर्ष भी हुआ। अब तक हमने आपको पुरातात्विक सबूत दिखाए, तुलसीदास की गवाही दिखाई, शिलालेख दिखाए, मुगल बादशाहों के वक्त के लिखे गए दस्तावेज के सबूत दिखाए। सब इस बात की गवाही देते हैं कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर था। अब आपको 19वीं शताब्दी के अंग्रेजी शासन के अकाउंट दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं कि 19वीं सदी में अयोध्या को लेकर कैसे संघर्ष हुआ। अयोध्या हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, श्री राम की जन्मभूमि है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर था, ये हर हिंदू मानता है। लेकिन ये मामला कोर्ट में पहुंच गया। विवाद की वजह थी बाबरी मस्जिद। पौने 2 साल से ज्यादा अदालतों में बार बार ये साबित करने की कोशिश जारी है। अंग्रेजों के जमाने में कई बार ये फैसला हुआ कि जन्मभूमि पर हिंदुओं को पूजा का हक है, क्योंकि वहाँ मंदिर ही था। लेकिन हर बार किसी न किसी बहाने से फिर विवाद पैदा किया गया और मामला कोर्ट पहुँच गया। मुसलमानों का दावा है कि वहाँ मस्जिद खाली जमीन पर बनी थी, कोई मंदिर नहीं था। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर जब पड़ताल हुई तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मंदिर के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों के मुंह पर ताला लग जाएगा। इन सब में वामपंथी इतिहासकारों का भी बड़ा रोल रहा। उन्होंने राम मंदिर के अस्तित्व को लेकर तो झूठ बोला ही, साथ ही देश को गलत इतिहास भी बताया। एक सबसे अहम बात जो छिपा ली गई कि अयोध्या में राम मंदिर को तोड़े जाने के बाद हिंदुओं ने काफी संघर्ष किया। मुसलमानों ने जो मंदिर पर कब्जा किया उसे आजाद कराने के लिए हिंदुओं ने अपनी जानें भी दे दी। 19वीं शताब्दी में हिंदू ने राम मंदिर को फिर से बनाने के लिए बाबरी मस्जिद पर कब्जे के लिए कई बार कोशिश की। मुसलमान हनुमानगढ़ी को भी तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। मतलब राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाने के 300 साल बाद भी संघर्ष जारी था। इसके अकाउंट्स मौजूद हैं। 1855 में एक मुस्लिम इतिहासकार ने लिखा, बाबरी मस्जिद से कुछ 100 मीटर की दूरी पर मौजूद हनुमानगढ़ी पर कब्जे के लिए जुलाई 1855 में जिहाद हुआ। ये इस तरह का पहला मौका नहीं था, 10वीं या 12वीं बार ऐसा हुआ। करीब 200-300 मुसलमान बाबरी मस्जिद के भीतर सीता की रसोई के पास इकट्ठा हुए। कुछ ही देर में हालात बिगड़ गए और अंजाम ये हुआ कि हनुमानगढ़ी पर कब्जे का मंसूबा तो पूरा नहीं हुआ, उल्टे हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद में घुसकर सीता की रसोई पर कब्जा कर लिया और पास में ही एक पूजा का स्थान बना लिया। 1889 में A4A ने ASI की रिपोर्ट में लिखा, अयोध्या में बाबर की मस्जिद मीर बाकरी ने बनवाई। मस्जिद ठीक उसी जगह बनवाई गई जहां रामचंद्र का जन्म स्थान था। 150 साल पहले 1877 में विलियम वेनेट ने जो महसूस किया वो आज भी उसी तरह है। अयोध्या हिंदुओं के लिए पवित्र स्थान है। इसके सारे सबूत हैं कि जन्म स्थान पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। इन अंग्रेजों को न हिंदू मान्यताओं से मतलब था और न इस्लामिक परंपराओं से, इसीलिए अंग्रेजों ने अयोध्या के बारे में जो अकाउंट दिए वो निष्पक्ष थे, इसीलिए इन्हें नकारा नहीं जा सकता है। समझने वाली बात यह है कि राम जन्मभूमि मंदिर का मामला सिर्फ जमीन विवाद का नहीं है, ये विवाद सिर्फ मंदिर मस्जिद का नहीं है, ये आस्था का है, 100 करोड़ हिंदुओं की ये मान्यता है, सैकड़ों हजारों साल पुरानी परंपराओं की।